मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुवासरा में अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर एक ज्ञापन आज दिनांक 22 जून को सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम सुवासरा के पूर्व विधायक हरदीप सिंह डंग को दिया ज्ञापन। ज्ञापन में सभी अतिथि शिक्षकों ने मांग की है कि मध्य प्रदेश में होने वाली 24 सीटों के उपचुनाव में या उसके पहले हमारा नियमितीकरण किया जाए और हमारी मांगे स्वीकार की जाए। इस पर पूर्व विधायक डंग ने सभी अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण को लेकर आश्वासन दिया। सुवासरा से संजय चौहान की रिपोर्ट। माननीय पूर्व विधायक महोदय हरदीप सिंह जी ढंग से ये ज्ञापन देने के लिए और बातचीत करने के लिए आए हैं कि वर्षों से हम अतिथि शिक्षकों के साथ में सरकारें छलावा कर रही है, हमें धोखा दे रही है वायदे करके और हमारा भविष्य अनिश्चित है। तो हम नियमितीकरण की मांग को लेकर के यहाँ आए हैं और हम सभी का एक ही कहना है कि उपचुनाव से पहले अगर माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हम अतिथि शिक्षकों का भविष्य के बारे में चिंता करते हुए निश्चिंता प्रदान करते हैं तो हम हमारे सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में 10,000 से अधिक वोटों का महत्व रखने वाले लोग हैं, हमारी अवहेलना न करें। हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि हम अतिथि शिक्षकों के भविष्य को आप सुधारें। हम लोग बड़े प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं और हमारा भविष्य अंधेरे में है। इसी बात को लेकर के ना हमने यहाँ पर गुहार लगाई है हरदीप सिंह जी डंग जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की सरकार को सबक सिखाया है, पूर्व सरकार को। आज हमें विश्वास है कि हमारे विधायक महोदय जो जाबाज शहर है वो हमारे मुद्दे को जरूर उठाएंगे और हमें नियमितीकरण दिलाएंगे। अगर उपचुनाव के पहले नियमितीकरण सरकार अगर नहीं करती है शिवराज सिंह जी की तो इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? अगर उपचुनाव से पहले अगर हम अतिथि शिक्षकों के बारे में अगर सरकार चिंता नहीं करती है और नहीं अगर करती है तो अतिथि शिक्षक जो सहयोग देने के लिए 10,000 वोटों से अधिक सहयोग देने के लिए केवल हमारी विधानसभा में है तैयार हैं, फिर उसके बाद में वो सब स्वतंत्र हैं, कोई तकलीफ नहीं है। वो सभी अतिथि शिक्षक अपने अपने हिसाब से स्वयं निर्णय लेंगे। शिक्षकों ने आपको जो मांग को लेकर ज्ञापन दिया इसमें आप क्या क्या कहना चाहते हैं? अतिथि शिक्षक कई वर्षों से जो संघर्ष कर रहे हैं और अभी विगत दिनों जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने अपने वचन पत्र में भी इनको नियमितीकरण करने का जो एक वचन दिया था 90 दिन के अंदर हम इनको नियमितीकरण करेंगे, 15 महीने की सरकार होने के बाद भी इनको नियमितीकरण नहीं किया, इनके साथ जो धोखा हुआ ऐसे वचन पत्र में जो धोखा हुआ उसमें एक इनका भी वचन था, इनके साथ भी धोखा हुआ है और कहीं ना कहीं आज जो ये इनकी फिर पुनः लगातार जो मांग चल रही है क्योंकि लगातार ये संघर्ष करते हुए आज इस पड़ाव पे हैं कि इनकी ओवर एज होने के कारण ये दूसरी जगह कहीं सर्विस भी नहीं कर सकते हैं, दूसरा काम भी नहीं कर सकते हैं। आज इनको स्थायी रोज़गार की बहुत आवश्यकता है, इनके बच्चों के लिए, इनके माता पिता के लिए, ये आज ज्ञापन इन्होंने दिया है। मैंने पूर्व में भी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब मुख्यमंत्री जी को लिखित में एक ज्ञापन मेरी तरफ से दिया है और मैं अभी पुनः इनको विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी अभी मुलाकात करूँगा तो इनके प्रतिनिधिमंडल के मिलाने की भी बात रखूँगा और मेरी तरफ से मजबूती से इनके हक में जो भी काम हो सके, इनका नियमितीकरण हो सके, ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपने पूरे क्षेत्र की तरफ से रखने जा रहा हूँ।